तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, गाड़ी में बैठना है और यहाँ पे आप चाबी लगा दीजिए। चाबी लगा के इसको स्टार्ट कर दीजिए, क्लच दबाइए और इसको स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद क्लच दबा के रखिएगा, और क्लच जो दबाए हैं और इधर आप एक नंबर गियर लगा दीजिए, फिर उसको हल्के हल्के छोड़िए, एकदम आराम आराम से चलना चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर आप एक बार क्लच को दबाएंगे, जब थोड़ा चल देगा आगे, उसके बाद फिर दबा के इसी के सामने फिर दो नंबर लगा देंगे आप, फिर छोड़ देंगे, हल्का एक्सीलेटर लेंगे। ऐसे आप आसानी से समझ सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज आप लोगों को बताएंगे, जितने लोग नए फोर व्हीलर चलाने वाले हैं या तो नहीं चला पा रहे हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, उन लोगों के लिए एक आसान तरीका बता रहे हैं, बिना किसी के सिखाए ही मतलब चलाने लगेंगे, सीख जाएंगे बिना किसी को बताए। तो आइए बताते हैं आप लोगों को फर्स्ट में क्या करना है कार में बैठने के बाद। तो गाइस, फर्स्ट में चाबी हाथ में लेना है आपको, चाबी यहाँ लगा देना है। नए लोग जितने हैं ध्यान देंगे, जो चलाने के लिए सोच रहे होंगे कि हम भी सीख लें, कोई सिखा दे, तो आप डायरेक्ट अगर गाड़ी है तो सीख सकते हैं आसानी से, एकदम ठंडा दिमाग से सीख सकते हैं। देखिए, इसको स्टार्ट कर दिए और बस इसका क्लच दबाना है, क्लच इसको, डिजायर अगर है तो, अगर पुरानी गाड़ी है तो उसमें तो बिना दबाए ही चालू हो जाता है, नहीं तो अब नई गाड़ियां जो आती हैं डिजायर है तो इसका क्लच दबा के फिर चाबी को हटना है, स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी, स्टार्ट हो गई। और अब क्या करना है, अब आपको एक क्लच दबाए रखना है और ये है गियर, एक गियर है, गियर को समझ लीजिएगा। देखिए, एक नंबर इधर करके लास्ट इधर ढकेलेंगे तो एक नंबर है, फिर उसी के सामने इधर करेंगे तो दो नंबर है। तो गाइस, ये दो नंबर हो जाएगा आपका। और जब गाड़ी थोड़ा रेस पे होगी, मतलब 50 के ऊपर, तो आप यहाँ इसको बीच में करेंगे, तीन नंबर है। और थोड़ा और रेस हुआ 60-70, तो इसके सामने एकदम सीधा इधर चार नंबर कर देना है। मतलब एकदम आसान तरीका है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, अगर डायरेक्ट आप चलाना चाहते हैं तो अभी हम बता रहे हैं आपको बस। तो आप नए जो लोग होंगे तो इसको पहले स्टार्ट करेंगे, फिर एक क्लच है, देखिए लास्ट का क्लच है, और ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है। तो इस क्लच को दबाएंगे चालू होने के बाद, फिर एक नंबर गियर लास्ट में करके, क्योंकि न्यूट्रल इस पे रहता है, न्यूट्रल फ्री रहता है, देखिए ऐसे करेंगे तो दोनों तरफ चले जाएगा, फ्री रहेगा, और गियर में अगर डाले रहेंगे तो इधर उधर नहीं होगा। तो इसको एक नंबर लगा देना है, और करना कुछ नहीं है, ज़्यादा इसको एक्सीलेटर दबाना नहीं है, एक नंबर लगा के आपको बस एड़ी ये जो है ये नीचे रखे रहना है, और ऊपर का हिस्सा बहुत आराम से, मतलब धीरे धीरे इसे कुछ छोड़ते हैं आप, वैसे आराम से छोड़ेंगे तो गाड़ी चलने लगेगी। जैसे आगे बढ़ेगी, हल्का मतलब एक्सीलेटर लेंगे हल्का सा चलने के लिए, उसके बाद फिर आप क्लच दबा के फिर दो नंबर लगा देंगे, ऐसा दो नंबर लगा के फिर छोड़ देंगे इसको, उसके बाद हल्का एक्सीलेटर पे चलने लगेगी। तो बहुत आसान तरीका है, आप अकेले ही सीख सकते हैं, ना कोई रहे तो भी। तो आप क्लच दबाएंगे इसे और इधर एक नंबर लगाइए, और देखिए कैसे छोड़ना है क्लच को, इस पे हाथ मत रखिए, इसको धीरे धीरे इसे छोड़ना है। देखिए गाड़ी चलना चालू हो गई, इसे फिर थोड़ा अगर रेस हो रहा है तो दो नंबर आप इसको क्लच दबा के डाल सकते हैं, दो नंबर डाल के छोड़ दीजिए, एक्सीलेटर हमने बिल्कुल नहीं लिया है, और गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई है।
इसे आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं खाली जगह में, ये नहीं कि मतलब जगह ना हो वहाँ आप चलाएं, ट्रैफिक में नहीं, खाली अगर जगह है तो खाली जगह में आराम से अपना फिर इसको न्यूट्रल कर दीजिए, न्यूट्रल करके पैर हटा लीजिए। और ये हैंड ब्रेक है, कहीं भी गाड़ी खड़ा करिए तो हैंड ब्रेक ज़रूर लगाइए आप, तो ये आसान तरीका है गाड़ी चलाने का। तो गाइस आप ऐसे गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, अगर नए हैं तो गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो सीखना चाह रहे हैं तो आसानी से सीख सकते हैं। नहीं बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कोई बताते नहीं है उनको, अगर घर में गाड़ी है तो आप फील्ड टाइप, फील्ड जहाँ है मतलब ट्रैफिक में नहीं, कस्बे में नहीं, खाली जगह पे आप चला चलाना सीख सकते हैं आसानी से। कुछ करना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है, आप दिमाग लगाएंगे तो सीख जाएंगे आप लोग। और गाड़ी पे विशेष ध्यान देना है आपको, बैठने से पहले सीट बेल्ट, और अगर राइट लेफ्ट कटना है तो इंडिकेटर जरूर देना है, पास लेना है तो डीपर मारना है नाइट में, और ये सब आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। और नए हैं तो मतलब गाड़ी एकदम मत भगाइए, रेस में एक्सीलेटर तो मतलब ज़्यादा मत लीजिए, एकदम 3 नंबर से 4 नंबर, अगर खाली जगह है तो, खाली रोड है तो 3 से 4 नंबर में आप चल सकते हैं हल्का एक्सीलेटर में। मतलब आपको 60 70, अरे 60 50 70 के नीचे ही रहना है, उसके ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि जब तक हाथ पूरा साफ ना हो जाए तब तक 80 70 70 के ऊपर मत जाएं तो अच्छा है, 80 के ऊपर जब हाथ साफ हो जाए तब जाएं। और एक बार और आप लोगों को बता देते हैं जो नहीं ध्यान दिए होंगे शुरू में, आपको एक बार और दिखा देते हैं कैसे करना क्या है फर्स्ट में। तो गाइस फर्स्ट में आपको ये चाबी लेना है और चाबी यहाँ पे लगा देना है, इसको ऑन करना है, देखिए ऑन हो गया। अब इसके बाद आपको नई गाड़ियाँ इतनी आ रही है मतलब क्लच से ही स्टार्ट हो रही है ज़्यादातर, तो ये डिजायर है, स्विफ्ट डिजायर, तो इसको आप क्लच ऐसे पूरा दबाएंगे, पूरा दबा के फिर चाबी मतलब मारेंगे, इसे स्टार्ट हो जाएगी, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई। और इसके बाद क्लच को दबाए रखना है आपको अगर आगे बढ़ना है तो। अब आप आइए गियर पे, देखिए गियर पे लिखा है 1 2 3 4 5, और इधर आ रिवर्स है तो आपको 1 नंबर से चलना है। देखिए इधर बीच में न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहेगा तो आपको पता चल जाएगा पूरा इधर से इधर तक फ्री रहेगा, और आपको बस इधर लास्ट इधर करके 1 नंबर, देखिए ट्रिक दिया है ऊपर, तो लास्ट करके आप ऊपर ढकेलेंगे, 1 नंबर लग गया। और इसको लगने के बाद आपको इसको दबाए रखना है और आराम से इसको छोड़ेंगे, मतलब इसको आराम से ऐसे ऐसे धीरे धीरे छोड़ेंगे बिना एक्सीलेटर का, तो आगे बढ़ना चालू हो जाएगी गाड़ी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो फिर क्लच को दबाएंगे, क्लच दबा के फिर 1 नंबर में जो लगा था अभी देखिए, 1 नंबर से फिर आपको 2 नंबर इधर सीधा उसके सामने नीचे खींच देना है, 2 नंबर, फिर खींचने के बाद आपको धीरे धीरे छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद हल्का एक्सीलेटर लेना है, और फिर आप थोड़ा रेस होंगे मतलब, तो आपको यहाँ 2 नंबर से न्यूट्रल करके फिर सामने 3 नंबर बीच में लगा देना है, मतलब मान लीजिए ये 2 नंबर है, 2 से फिर इधर न्यूट्रल पे जाएंगे, न्यूट्रल से बीच में करेंगे, मतलब ट्रिक जैसा दिया है, बीच में जाके आप 3 नंबर लगा सकते हैं। फिर थोड़ा और रेस हुआ अगर खाली जगह है तो 4 नंबर इसे लगा सकते हैं आप। और ये रिवर्स गियर है आपका, अगर बैक करना है तो पूरा लास्ट इधर करके फिर पीछे लेंगे, रिवर्स गियर हो गया आपका। और ये 5 नंबर है, 5 नंबर की तो ज़रूरत विशेष नहीं पड़ेगी नए लोगों को। तो गाइस ऐसे आप आसानी से गाड़ी चला सकते हैं, और सेफ्टी के साथ सेफ्टी बेल्ट ज़रूर लगाएं, यहाँ सेफ्टी बेल्ट है देखिए, इसको आप लोग गाड़ी चलाने से पहले बिल्कुल लगाएं, इसको ऐसे खींच के यहाँ से, और यहाँ पे दिया रहेगा बगल में, इसको इसमें लगा दें, बस हो गया आपका सेफ्टी बेल्ट आराम से। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।
और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।